राधे राधे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम 4 नंबर से लेके 5 नंबर तक के कान्हा जी के लिए वन पीस ड्रेस लेकर आए हैं। ये देखिए, एक ही पीस में कैप भी है, आस्तीनों वाली। ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी। और इसे हम बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताने वाले हैं, जिससे आप बहुत आसानी से इस ड्रेस को बना सकते हैं। यदि आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। हमने इस ड्रेस में मोती की जगह बटन की जगह मोती लगाए हैं। देखिए कितने सुंदर प्यारे लग रहे हैं, और मोती भी टके हुए लग रहे हैं, और ये बटन का काम भी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं और अपने कान्हा जी को सजा सकते हैं। आइए हम इतनी सुंदर और प्यारी सी ड्रेस को बनाना सीखते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 22 चेन डाल लेंगे। ये हमने डाल ली है। फिर हम एक चेन एक्स्ट्रा लेकर, देखिए एक चेन छोड़कर और उसके बराबर वाली में इस तरीके से डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डालकर 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से हम ये 2 का 1 करते हुए सिंगल क्रोशिया द्वारा हम ये इस टाइप की 2 रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये हमने 2 रो बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसमें कलर बदल लेंगे। कलर बदलने के लिए हम यहाँ पर 2 फंदे जब रह जाएंगे तो ही हम इसके अंदर कलर बदलेंगे। एक चेन ले लेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें हर चेन के अंदर से 2 का 1 करते हुए इसकी भी 2 रो बनानी है। देखिए, 2 का 1 करते हुए ही बनानी है। अब हमें ये भी कंप्लीट कर लेना है, इसकी इसकी भी 2 बनानी है। फिर पिंक कलर की, फिर फ्रोजी कलर की। इस तरीके से हमें 3 इसकी और 3 इसकी लाइनें बना लेनी है। चलिए हम बनाकर बताते हैं। देखिए, ये हमने कंप्लीट कर ली है। 3 लाइनें हमने पिंक कलर की हैं और 3 इसकी की हैं। फ्रोजी वाली हमने एक ही रखी है, क्योंकि हम इसको कैप को इस तरीके से सिलेंगे तब ये फिर सिलाई होने के बाद में 2 हो जाएंगी, इसीलिए हमने इसकी एक ही बनाई है। अब हम ये वाला धागा कट कर देंगे इस तरीके से और इसकी सिलाई करेंगे। देखिए, हम इसे उल्टी साइड से ले आएंगे और ये जो चेन है इनके अंदर डालकर ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। देखिए, इस चेन के अंदर डालेंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर डालेंगे। इस तरीके से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। बहुत आसान तरीके से हो जाती है। एक इसके अंदर डाला और एक इसके अंदर, इस तरीके। देखिए, ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, हमने एक सिलाई बनाई थी, इसकी 2 सिलाई जैसा लग रहा है। अब ये कैप बन गया है। अब हम इसकी इस साइड से बुनाई करेंगे। हम ये जो साइड है ये वाली, इधर से बुनाई करेंगे और ये हमारा कैप बन गया है। देखिए, इस तरीके से हम नेट के इस वाली आगे वाली नेट के पास से धागा लाएंगे और एक चेन लेकर इसी के अंदर हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। ये हमने 2 का 1 कर दिया है। इसके अंदर नहीं, इसके बराबर वाला जो है इसके अंदर से 2 का 1 करेंगे, तब ये बिल्कुल चेन एक जैसी दिखाई देगी। ये हमने इसके अंदर कर दिया है। अब ये जो पिंक वाला है इसके बराबर में से निकालकर हम फिर से 2 का 1 करेंगे। ये पिंक में से हमने 2 बना लिए हैं। अब ये जो फ्रोजी कलर है इसके अंदर से भी हम 2 बार 2 का 1 करेंगे। देखिए, एक बार हो गया और एक बार फ्रोजी दूसरी साइड में जाकर उसमें से कर देंगे। देखिए, फिर हम पिंक वाले में 2 करेंगे, फिर हम फ्रोजी वाले में। इस तरीके से ये फंदे हम उठा लेंगे। देखिए, बहुत आसानी से दिखाई दे रहे हैं ये होल। एक इस साइड दिखाई दे रहा है पिंक में, एक इस साइड, देखिए फ्रोजी में भी। बस इन्हीं होल के अंदर लेना है हमें। इस होल के अंदर से 2 का 1, फिर इस होल के अंदर से, फिर फिरोजी वाले होल के अंदर से और फिर दूसरा फिरोजी वाला होल। अब ये पिंक वाला आ गया है, पिंक वाले में भी हमने कर दिया है और इसके अंदर से भी हमने कर दिया है।
अब ये वाला जो है इस सिरे के अंदर से भी हमें एक बार निकालना है। ये देखिए ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम एक चैन लेकर पलट लेंगे और पलटने के बाद हम देखिए एक बार हमने एक ले लिया और एक होल में हमने दो ले लिए, एक होल में हमने एक ले लिया और एक होल में हमने दो। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, एक होल में एक और एक होल में दो। ये रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है, एक में एक और एक में दो। फिर हमें कलर चेंज करना है। ये हमारे 34 फंदे हो गए हैं। अब हम कलर चेंज कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कलर चेंज कर लेंगे। अब हमें इन्हीं फंदों को बनाना है, जो ये फंदे हैं इन्हें ही हमें बनाना है, इसमें बढ़ाना घटाना नहीं है। देखिए हमने दो का एक कर लिया है। अब हम जितने भी हमारे ये फंदे हैं इनके अंदर से हम हर एक के अंदर से दो का एक करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम दो का एक करते जाएंगे। अब देखिए हमने ये ब्लू वाली बना ली है, ये 33 फंदे हैं। अब हम एक चैन लेकर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए इस तरीके से हम 1, 2 और ये 3, 3 हम सिंगल बनाएंगे और 3 के बाद वाले में हम एक ही के अंदर दो बना लेंगे। 1, 2, 3, 3 एक एक में बनाएंगे और 4 वाले में हम एक ही के अंदर दो बनाएंगे। इस तरीके से ये हम कंप्लीट करेंगे। देखिए 1, 2, 3 और 3 के बाद 1 और 2 एक ही में, इस तरीके से ये रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये लाइन भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारे 40 फंदे हो गए हैं। अब देखिए हम ये पिंक वाला धागा लगा लेंगे और पिंक वाली दो सिलाइयां कंप्लीट कर लेंगे। हमें ये 40 फंदे हैं, इसी 40 फंदे में ही ये दो सिलाई और कंप्लीट करनी है। फिर हम इसके अंदर आस्तीन का छांट आपको बताएंगे किस तरीके से करना है। पहले हम ये दो सिलाइयां कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम एक सिलाई इसकी और कंप्लीट करेंगे, वो हम कर रहे हैं। फिर हम आपको आस्तीन का छांट बताएंगे। देखिए हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं। देखिए हमने 1 इसके अंदर हमने 1, 2, 3, 4 और ये 5 हमने आगे के लिए रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 5 ये हमने आगे के लिए रखे हैं। और अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हम स्किप कर देंगे आस्तीन के लिए और 11 वाले में हम ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये है 11। 11 वाले में हम इस तरीके से ले लेंगे। ये लेने से पहले हमें यहाँ पर 1 और ये 2 चैन लेने नहीं है। चैन लेने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब 11 वाले में हम इस तरीके से दो का एक कर देंगे। ये चैन हमने इसलिए लिए जिससे आस्तीन आराम से आए, टाइट ना हो। और आप देखिए हमें 1, 2, 3 इस तरीके से करके 10 बना लेने हैं। अब देखिए हमने ये 10 बनाने के बाद में दो चैने ले ली हैं, जैसे इस साइड ली हैं। अब हमने ये 10 छोड़ दिए हैं आस्तीनों के और इसके बाद हमने यहाँ पर
फाइव बना देने हैं जैसे हमने आगे बनाए हैं, ये आगे के हिस्से के रहेंगे। इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। अब ये जितने भी फंदे हैं अब हमें डबल कर लेने हैं। पहला वाला और आखिरी वाला तो हमें एक के अंदर एक ही बनाना है और बाकी जितने भी हैं हमें एक के अंदर दो बनाने हैं। हर एक के अंदर एक नहीं दो दो बनाने हैं। इस तरीके से हम ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसके अंदर भी हमने दो बना दिए और ये जो नेट है नेट के अंदर हमें नेट के होल में बस एक एक ही बनाना है, एक इस नेट में और एक इस वाली नेट में। इस तरीके से ये हर एक में दो बनाकर कंप्लीट कर लेना है। देखिए हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। ये ब्लू लाइन पर हमने हर एक में दो दो करके बढ़ा लिए थे, हमारे 40 फंदे बन गए हैं। फिर हमने दो पिंक बना लिए हैं और एक हमने ब्लू बना ली है। अब हमारे 40 फंदे हो गए हैं। अब हम देखिए इसमें दो का एक करके बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में एक ही स्टिच में हम दो बनाएंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 में हम एक एक बनाएंगे और एक में हम एक ही स्टिच में दो बना लेंगे। इस तरीके से हम ये फंदे बढ़ा लेंगे। 5 में हम एक एक बनाएंगे, 3, 4 और ये 5। और ये जो 6 वाली है इसके अंदर हम एक ही स्टिच में दो बना लेंगे। इस तरीके से हम ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब ये 6 वाली है, 6 में हम फिर से एक ही में दो बना देंगे। अब ये दो बच गई हैं, दो को हम सिंगल सिंगल बना लेंगे। अब हमने कलर चेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हर एक में एक एक ही बनाएंगे। अब हम हर एक में एक एक स्टिच बनाते जाएंगे, अब हमें नहीं बढ़ानी है। अब हम इस तरीके से दो पिंक बना लेंगे और एक ब्लू, 3 जब बना लेंगे तो उसके बाद हमें हर 5वीं के बाद 6ठी पर बढ़ा लेना है। जैसे हमने ये बढ़ाया है, देखिए हमने इस ब्लू में बढ़ाया था, फिर 2 स्टिच ये बना ली और एक ब्लू फिर बढ़ाए हैं। अब हमने इस वाली पे बढ़ाया है, अब हम 2 पिंक बना लेंगे और एक ब्लू बना लेंगे। फिर जो दूसरी वाली ब्लू आएगी उसके ऊपर हम हर 5 के बाद एक स्टिच में 2 ले लेंगे। फिर इसी तरीके से आगे बनाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। अब हम आपको आस्तीन बनाना बता रहे हैं। देखिए हमने ब्लू धागा ले लिया है और ये जो आस्तीन की कटिंग है इसके बीच में हमने इसे अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद में हम इसके अंदर एक फंदा देखिए इस साइड लेकर ब्लू के अंदर बढ़ा लेंगे। एक बार बना लिया हमने ये और दूसरा हम ये जो ब्लू है देखिए ये वाला होल इसके अंदर से हम बना लेंगे। ये 2 फंदे हमने इस साइड बढ़ा लिए, 2 पीछे से आकर उस साइड बढ़ा लेंगे और बाकी जितने भी हमारे ये पिंक वाले हैं इनके अंदर हम बना लेंगे। हमने 10 छोड़े थे, 2 इस साइड बढ़ा लिए और 2 इस साइड, तो हमारे अब ये 14 फंदे बन जाएंगे। और ये जो पिंक वाले हैं पिंक वाले में एक लेकर हम ये बना लेंगे। देखिए यहाँ तक आ गए हैं हम। एक हम इस वाले में ले लेंगे जिसमें हमने ये पिंक लिया है ब्लू में, ये देखिए ये बढ़ा लिया हमने, और एक हम इसके बीच में से इस साइड से बढ़ा लेंगे। ये देखिए ये टाइट हो रहा है इसीलिए हमने छोटी क्रोशिया से ले लिया है। अब हमने ये फंदा भी बना लिया है। अभी हमारे 2 इस साइड और 2 इस साइड बढ़ गए हैं और अभी हमारे 14 फंदे हो गए हैं। अब हम एक में एक बनाते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने पहली वाली स्टिच बनाई थी इसके अंदर हम इसको जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से इस तरीके से हम
इसे जोड़ देंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, ये वाली हम गोलाई में नहीं बना रहे हैं, एक साइड से सीधी और एक साइड से उल्टी बना रहे हैं। अब ये हमने ये ब्लू सीधी साइड से बना ली है, अब हमें उल्टी साइड से बनानी है। तो हम ये केवल इसको जोड़ेंगे और एक स्टिच लेकर इसे इस तरीके से पलट लेंगे। अब ये उल्टी साइड से बनानी है, एक सीधी साइड से। जब कलर बदलेंगे तो वो हमें उल्टी साइड से नहीं बनानी है, वो सीधी साइड से बनानी है। ये हमने सीधी साइड से बनाई है, देखिए। अब हम ये फंदा जोड़ के इस साइड से नहीं बनाएंगे, हमें पलट लेना है। पलटने के बाद हम ये देखिए पहली स्टिच अब ये वाली आई है, इसके अंदर से हम दो का एक करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये मोटी क्रोशिया ली है, दो का एक कर रहे हैं, इसलिए पहली वाली में आ नहीं रही है। देखिए इस तरीके से हम धागा निकाल लेंगे, क्रोशिया में ले लेंगे और ये दो का एक कर दिया हमने। अब ये नेक्स्ट वाली स्टिच है, इसके अंदर से भी दो का एक करेंगे और सारी जितनी भी हैं करेंगे। लेकिन एक सिलाई हमें देखिए सीधी साइड से बनानी है और एक हमें ये बैक साइड से बनानी है। गोल बना लेंगे तो हमारी बुनाई अलग आ जाएगी। ये वाली हम एक सीधी एक उल्टी साइड से बना रहे हैं ना, इस वजह से, इसीलिए ये बात ध्यान रखनी है। देखिए ये हमने 14 बना ली है। अब हम पहली वाली जो स्टिच है उसके अंदर से इसको इस तरीके से लेके स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम कलर बदल लेंगे। हमने ये कलर बदल लिया है, अब हम ये 14 स्टिच है इसकी हम पिंक में भी दो सिलाई इसी तरीके से बना लेंगे। एक हम सीधी साइड से बनाएंगे, एक पलट के उल्टी साइड से बनाएंगे। धागा हम साथ साथ ले लेंगे जिससे हमें बाद में परेशानी ना हो। साथ साथ ले लेते हैं तो ये इसके साथ साथ ही अंदर दब जाता है। देखिए अब इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो फर्स्ट वाली स्टिच है इसके अंदर से हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम एक चैन ले लेंगे। फिर हमें क्या करना है, इस साइड से ही नहीं बनाना है, इधर से सीधी सीधी हो जाएंगी, हमें इस तरीके से पलट लेना है। देखिए और ये धागा हमें अंदर की साइड में ही रखनी है कलर्ड। ये देखिए अब हमने उल्टी साइड में आ गए हैं, अब हमें ये सिलाई इस साइड से ही कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरीके से इसको उल्टी साइड से ही कंप्लीट करना है, ये ध्यान जरूर रख लेना है। अगर हमने ये ध्यान नहीं रखा तो हमारे जो ये हिसाब किताब आ रहा है वैसा गड़बड़ हो जाएगा। बस हमने गोलाई में इसलिए बनाई है कि हमें सिलाई करनी ना पड़े, इसीलिए हम उस पर स्लिप स्टिच से टाक देते हैं और फिर हम उल्टी और सीधी साइड से ही बनाते हैं, क्योंकि हमारी बुनाई इसी तरीके से चल रही है। देखिए इस तरीके से हमने ये वाली भी कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसे पलट लिया है, पहले हम इस साइड से बना रहे थे सीधी, अब हम ये उल्टी साइड से बनाएंगे। पहले उल्टी साइड से बना रहे थे, अब ये हम सीधी साइड से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने कलर बदल लिया है। कलर बदलने के बाद हमें एक इस साइड कम करना है और एक इस साइड कम करना है, इसीलिए हम देखिए इस तरीके से बनाएंगे और एक इस तरीके से दो में ले लेंगे, फिर हम इस तरीके से निकाल देंगे। एक इस साइड माइनस कर दी है हमने, एक लास्ट में माइनस कर देंगे, हमारी ये दो माइनस हो जाएंगी और बाकी हमें 14 की 12 कर लेनी है। देखिए एक हमने उस साइड कम कर दी थी, एक हम इस साइड कम करेंगे। किस तरीके से कम करनी है, देखिए हमने इसमें ले लिया और एक में हमने और ले लिया। अब हम ये तीन फंदे एक साथ निकाल देंगे, एक माइनस हो गई है और अब हम फर्स्ट वाले इस धागे में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमने एक और माइनस कर दिए, अब हमारे ये 12 हो गए हैं। अब हम एक चैन लेकर अब इसे देखिए इस तरीके से नहीं बुनेंगे सीधी, इस तरीके से पलट लेंगे। हमने बताया एक सिलाई इस साइड से बुननी है और एक इस साइड से बनानी है। अब ये वाली हमें इस साइड से बनानी है। इस तरीके से हम ये 12 कंप्लीट कर लेंगे। 12 इस साइड से हम
लेकर कंप्लीट करेंगे। देखिए, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब हम इस तरीके से, देखिए जैसे हमने ये बनाई है, हमने पिंक वाले के बाद माइनस करे हैं। अब हम दो फ्रोजी बनाएंगे, दो पिंक, और जब ये वाली फ्रोजी बनाएंगे तो इसके इस साइड में केवल एक माइनस कर देंगे, और ये 11 और ये 11 करके बना लेंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट करनी है। हम इसे कंप्लीट करके आपको बताते हैं। और यहाँ पर हमने आपको बताई दिया है, यहाँ हमने हर पांच के बाद एक फंदा बढ़ाया है। अब हम दो पिंक बनाएंगे, एक ब्लू बनाएंगे, फिर हर पांच के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से आगे हम बनाते जाएंगे। चलिए हम बनाकर आपको बताते हैं। देखिए, हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। आज तीन के पास से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिलाइयां और कंप्लीट की हैं। जैसे हमने आपको बताया था, जब हम कलर बदलेंगे तो उस बार हर एक में दो का एक करेंगे, और इसी कलर की जब दूसरी सिलाई बनाएंगे तब 1 2 3 4 5 पांच में नहीं बनाएंगे, और पांच में एक एक बनाएंगे, और नेक्स्ट वाले में एक ही होल में दो, फिर पांच में एक एक, और छठे वाले पर एक ही होल में दो। फिर जब ब्लू बनाएंगे तो पहली सिलाई में हर एक में दो का एक करेंगे, कहीं नहीं बढ़ाएंगे, और जब दूसरी सिलाई बनाएंगे तब पांच में एक एक और नेक्स्ट वाले में एक ही होल में दो। इस तरीके से हमने ये सारी सिलाइयां कंप्लीट की हैं। ये फंदे बढ़ते गए हैं और ये इस तरीके से आ गया है। अब हम ये आगे का बॉर्डर बना रहे हैं। देखिए, बॉर्डर भी हमने केवल दो का एक करते हुए बनाए हैं। ये जितने भी होल हैं, दो पिंक वाले में हैं, दो ब्लू वाले में होल हैं, दो दो सिलाइयां बनाई हैं, हर एक होल में हमने एक एक बार दो का एक किया है। इस तरीके से हमने ये दो सिलाइयां कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर आपको काज बनाना बताएंगे। यहाँ से हम काज शुरू करेंगे। ये ब्लू वाला है, इसके पास से देखिए, ये पिंक वाला है, पिंक वाले में हम दो का एक करके बना लेंगे। अब ये ब्लू वाले आ गए हैं, ये देखिए, ब्लू वाले में हम क्या करेंगे, एक हम चेन ले लेंगे और एक ये वाली चेन छोड़ देंगे नीचे वाली, नेक्स्ट चेन में हम दो का एक कर देंगे। ये छोटा सा कांच बनना है, बहुत छोटा सा, हम इसमें मोती लगाने वाले हैं बटन की जगह। देखिए, अब हम ये पिंक वाले में दोनों में, ये पिंक वाले दो में एक और एक में एक दो बना लेंगे। अब ये ब्लू वाले आ गए, ब्लू में हम पहले एक चेन लेंगे और एक होल छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले होल में हम दो का एक कर देंगे। इसी तरीके से हम आगे भी बनाते जाएंगे। पिंक वाले में हम दो का एक करेंगे, और ब्लू वाले में एक चेन ले लेंगे, एक चेन छोड़ के और नेक्स्ट चेन में दो का एक, इसी तरीके से बनाते जाएंगे। अब लास्ट वाले पर आ गए हैं। देखिए, पिंक वाले में हमने दोनों में एक एक बना लिया है, और ब्लू वाले में हम एक चेन लेंगे, एक छोड़ेंगे, और नेक्स्ट वाली में हम इस वाले में हम दो का एक कर देंगे। देखिए इस तरीके से, फिर एक चेन लेकर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए, जो पहले वाला हमने बनाया है उसके अंदर हम दो का एक कर देंगे। अब जिसके अंदर हमने होल बनाया है, ये एक चेन छोड़कर जो ये होल बनाया है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा, इसके अंदर डाल के लेंगे हम, जिससे ये होल थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे। ये देखिए, इसको दो का एक कर देंगे। अब बाकी जो हैं उसके अंदर हम 1 2 और ये 3 में दो का एक, और ये 4 वाले में जो ये होल है जिसमें बटन लगाना है, उसके होल के अंदर डालेंगे। होल के अंदर डाल के हम इस तरीके से ले लेंगे। देखिए, इसी तरीके से हमें आगे भी कांच वाले इसी तरीके से करने हैं। दो का एक करते जाएंगे जहां पर कांच आएगा। यहाँ पर देखिए, ये कांच आ गया है, इसके होल के अंदर डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसी तरीके से ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, कांच वैसे साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक ही होल में दो बार लेना है। हमें
नेक्स्ट वाले में देखिए, एक और एक ये दो, दो बार लेना है और ये बराबर वाला हमें इसको मिस कर देना है, इसके अंदर नहीं लेना है, इसी के अंदर हमें दो कांच वाले में ही ले लेने हैं, दो हमें चेन में लेने हैं और दो कांच में लेने हैं। ये देखिए अब ये कांच बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक और एक ये दो, दो में एक एक, अब ये कांच आ गया है। देखिए दो में हमने एक एक ले लिया, इस वाले को हम मिस कर देंगे और ये जो कांच है इसके बराबर में ये वाला, इसके अंदर हम एक ही होल में दो बार ले लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक, फिर इससे नेक्स्ट वाले में एक, दो बार एक एक और इस वाले को मिस कर देंगे और ये कांच वाला जो है इसके अंदर हम एक ही होल में दो बार ले लेंगे। अब ये कांच बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से करना। आप उस तरीके से साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, हम तीन में एक एक ले रहे थे, अब हमें दो में एक एक लेना है और इस वाले को मिस करके ये कांच वाला जो है इसके अंदर हमें एक ही होल में दो बार ले लेना है। दो में एक एक और एक को मिस करना है इस वाले को, कांच के अंदर हमें दो लेने हैं। अब ये देखिए कांच बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, बनाने हमें छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, कैप के पास, कैप के पास हमें दो का एक नहीं करना है, यहाँ से हमें क्या करना है देखिए हम बताते हैं आपको। यहाँ से हमें एक स्लिप स्टिच लेनी है और एक चेन लेनी है, ये कैप वाले हिस्से में ही करना है। एक स्लिप स्टिच और एक चेन, यदि हम यहाँ पर तीन ले लेंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे, सब जगह दो दो लिए हुए हैं, ये तो आगे की पट्टी है, इस पे बटन लग जाएंगे, इसलिए हमने तीन तीन ले लिए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक होल में स्लिप स्टिच और एक चेन, फिर नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच और एक चेन, इस तरीके से ये बाउंड्री बना दी। देखिए कितनी बढ़िया बाउंड्री बनी है, छोटी सी बाउंड्री बन गई है, यहाँ से यहाँ तक हमें इसी तरीके से बनाना है। देखिए यहाँ तक ही करना है, केवल जहाँ तक कैप है, एक स्लिप स्टिच और एक चेन। देखिए हमने यहाँ से शुरू की थी और यहाँ तक हमने एंड कर दी। अब इन सब में हमें क्या करना है, इन सब में हमें दो का एक ही करना है क्योंकि हमें यहाँ पर बटन टाँकने हैं। ये देखिए इस तरीके से दो का एक करके हमें इसे कंप्लीट कर लेना है, हर चेन में दो का एक इस तरीके से डालना है, दो का एक। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं, ये पूरा एंड होने वाला है। ये देखिए इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया है, एक और है हम इसे भी बना लेंगे। देखिए हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है, अब हम यहाँ पर धागा कट कर देंगे। देखिए ये हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इसका बॉर्डर भी बना लिया है। हमने इसके जो बटन टाके हैं वो हमने मोती ही टाके हैं, छोटी सी ड्रेस है इसलिए छोटे छोटे बटन मिलते नहीं हैं, इसीलिए हमने नया स्टाइल बनाया है, हमने इसके ऊपर मोती ही टाक दिए हैं। कांच भी हमने आपको छोटे छोटे ही बताए थे बनाने, मोती टाक दिए हैं और मोती हम आपको बताते हैं हमने किस तरीके से ये टाके हैं। देखिए इस तरीके से लेकर जैसे हम मोती टाकते हैं उसी तरीके से टाकना है, धागा इस तरीके से निकालना है और फिर इसके नीचे से निकालना है। हमने ये चार पांच बार इस तरीके से कर लिया है, उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए धागा ऊपर लाएंगे, जब ये पूरा टक जाएगा, चार या पांच राउंड टक जाएगा, तब फिर इस धागे को हम इसके ऊपर कसकस के दो तीन बार लपेट देंगे, जिससे ये बटन की तरह आसानी से लग सके। अब इसको हम नीचे को ले आएंगे, ये देखिए ये थोड़ा ऊंचा होके आ गया है, जो हमने ये गोल राउंड लगाए हैं, अब हम यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे धागे को। हमने धागे को लॉक करके कट कर दिया है और ये सारे बटन भी हमने इसी तरीके से लगाए हैं। मोती टाकने के बाद में इस तरीके से राउंड करके और उसके बाद लगाए हैं, जिससे ये थोड़े बटन की शेप में आ गए हैं
आप देखिए ये इस तरीके से जो छोटा सा हमने होल बनाया है उसके अंदर हम इस तरीके से इसको बटन की तरीके से लगा देंगे। ये बटन केवल यहाँ तक लगाने हैं जहाँ से हमने आस्तीन को शुरू किया है, बस वहाँ तक लगाने हैं, यहाँ तक नहीं लगाने हैं। देखिए अब हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है। अब लास्ट वाला होल है, इसके अंदर हम ये वाला लगा देंगे। देखिए ये हमने पूरे लगा दिए हैं बटन, और ये अब इस तरीके से लग रहा है देखने में। यहाँ पर हमें इसलिए नहीं लगाना है कि गला छोटा हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से अपने कान्हा जी को पहना देंगे। ये 4 से लेके 5 नंबर कान्हा जी को बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक आएगा, और उसी हिसाब से हमने इसे बनाया है। यदि आपको छोटा बनाना हो थोड़ी आस्तीन छोटी रख लीजिएगा, और थोड़ा सा ये घेर आप कम कर सकते हैं। ये वन पीस ड्रेस है, कैप भी इसी के अंदर है और आस्तीनों वाला है, और कांधा जी के लिए कोट जैसे स्टाइल का हमने ये बनाना आपको बताया है। इससे बहुत ही सुंदर और प्यारे लगेंगे, और ये बहुत आसानी से बन भी गया है। यदि आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।